स्वागत है भाई। हम बात करने वाले हैं बार्सिलोना और लियोन के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में। तो कोशिश करें वीडियो को अंत तक देखने की, क्योंकि काम की चीज़ें बताऊंगा और शॉर्ट में कोशिश करेंगे वीडियो को बनाने की। और अगर आप अपने इस भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। तो फटाफट बात करेंगे मुकाबले की। मैच की डिटेल्स यहाँ पे मैंने दे रखी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और वहीं बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ यानी कि टीम न्यूज़ की, तो लियोन की तरफ से आपको बता दें इंजर्ड कोई भी प्लेयर नहीं है। वहीं डाउटफुल जो रहेंगे जेसन डिनायर जो कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहेंगे, और एंडोम्बेले जो कि स्मॉल डाउटफुल रहेंगे, हालांकि खेलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है कुछ प्रतिशत लग रहा था कि आज के मैच में डाउटफुल रहेंगे, इसलिए मैंने इनको डाउटफुल सेक्शन में जरूर रखा है, लेकिन टीम में मैंने इनको लाइनअप में जगह जरूर दी है। सस्पेंड जो किए गए हैं नाबिल फिक्र जो कि सस्पेंड किए गए हैं, तो इनको ट्राई बिल्कुल नहीं करना है लियोन की तरफ से। और वहीं बता दें बार्सिलोना की तरफ से कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं है, डाउटफुल नहीं है, अनवेलेबल भी नहीं है, डाउटफुल और इंजर्ड नहीं है, अनवेलेबल जो है यहाँ पे अर्थर और राफिना और क्लीसेन, तो ये तीनों जो है अनवेलेबल है बार्सिलोना की तरफ से, इनको आप ट्राई नहीं करना। आप एक बार खुद से भी देख लीजिएगा, टीम न्यूज हो सकता है मैंने कुछ ना बताया हो आपको। तो वहीं बात करेंगे रिसेंट परफॉर्मेंस की। तो रिसेंट परफॉर्मेंस में पिछले 6 मुकाबलों में से लियोन की बात करें तो 5 मुकाबला जीते हैं, केवल जो एकमात्र मुकाबला ये हारे। और वहीं बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना बहुत ही बेहतरीन टीम है, आपको पता ही है, लेकिन ये पिछले 6 में से 3 मुकाबला जीती और 3 मुकाबला इनका ढो रहा है। तो आप बिल्कुल रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं यहाँ पे। और वहीं बात करेंगे स्टार्टिंग लाइनअप जो हो सकती है दोनों ही टीमों की, तो लियोन जहाँ इस मुकाबले में लोपेज को लेके जा सकती है, डुबोइस को लेके जा सकती है, मार्सिलो है, डेनायर मॉडल में से यहाँ पे मैंने आपको बताया डेनायर जो है रिस्की रहने वाले हैं, और मेंडी खेलते हुए नजर एंडोम्बेले जा सकते हैं, हालांकि मैंने ऊपर में इनको रिस्की जरूर रखा है, लेकिन लेके जाना ही पड़ेगा आपको इसको टीम में, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और काफ़ी सारे लोग जो है लेके जाएंगे, और लाइनअप में भी आज रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको यहाँ पर लेके चलूँगा। और है उनके बाद जो है तौरो या टोस्टर्ट है, उनके बाद जो है कॉर्नर डीपे एम डेम्बेले हैं। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाले लियोन की। और वहीं बता दें बार्सिलोना के टेर स्टेगन, रोबेटो पीक और लेंगलेट, अल्बा, रेटिक, बास्केट्स, विडाल, मेसी, सुआरेज और ओ डेम्बेले, तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है बार्सिलोना की। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार टीम बना सकते हैं इस मुकाबले के लिए। तो देखिए गोल कीपर सेक्शन में एम स्टेगन को लेकर चल रहा हूँ, टेर स्टेगन को, और यहाँ पे एल एपोज आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, हालांकि अगर आप इनको लेके जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए टेर स्टेगन ही आपके पास बार्सिलोना की तरफ से सबसे बेहतरीन पिक रहेंगे, तो आप लेके जा सकते हैं। लोपेज को भी देखते हैं कितने लोगों ने लिया है टेर स्टेगन को, लगभग आज के मुकाबले में 61% लोगों ने लिया है, तो आप देख सकते हैं। हालांकि ये भी जो है इनको जो 33% लोगों ने लिया है लोपेज, ये भी बहुत ही अच्छे प्लेयर है, हालांकि यहाँ पर डिपेंड करेगा आपका टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार आप लेके जा रहे हैं, उसी प्रकार का आप गोलकीपर लेके चल सकते हैं। जॉर्डी अल्बा को यहाँ पे मैंने लिया है, एस रोबेटो को किया है मैंने ड्रॉप, हालांकि बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, आप अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कहूँगा कि इनको ड्रॉप करें, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे आप एक चेंजेस ये कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एफ मेंडी को जरूर लिया, और उसके बाद जो मैंने लिया एल डुबोइस और सी लेंगनेट को, हालांकि अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, पीक को ट्राई कर सकते हैं, हालांकि पीक को बहुत सारे लोग लेंगे। आप देखिए आप यहाँ पे मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे फॉरवर्ड में मैंने तीनों जो है बड़े प्लेयर जिनको मैंने लेके चला है इस मुकाबले में मैंने लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉरवर्ड में अपने अच्छे प्लेयर को मिस नहीं करना चाह रहा था। तीनों ही बहुत ही बेहतरीन फॉरवर्ड के प्लेयर लियोनेल मेसी, एल सुआरेज और एम डीपे, तो तीनों को मैं लेके चलने का सोचा था, इस कारण से मैंने इधर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ जरूर किया है मिडफील्डर और डिफेंडर में, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छे फॉरवर्ड के प्लेयर चाहिए थे। तो आप अगर रही लेना चाहते तो यहाँ से आपको एक ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे मिडफील्डर में देखेंगे, यहाँ पे पहले आपको दिखा देता हूँ डिफेंडर में एल डुबोइस है, सी लेंगनेट, और यहाँ पे मैंने जो लिया है जॉर्डी अल्बा है, हालांकि आप रोबेटो को भी ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जॉर्डी अल्बा आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। मिडफील्डर एन फिगर को यहाँ पे मैंने नहीं लिया, मैंने कोटिनियो को और डेम्बेले को लिया है, एम कॉर्नेट, और उनके बाद जो मैंने तीसरे मिडफील्डर बास्केट्स को लिया है, हालांकि अगर आप चेंज करना चाहें तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, आपके पास चॉइस जो है अच्छे अच्छे हैं। और वहीं फॉरवर्ड की बात की तो आप देख लिया होगा, आप ये तीनों मेरे फॉरवर्ड रहेंगे। और वहीं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो बिल्कुल कैप्टन के लिए तो मेसी ही सबसे बेहतरीन, और उनके बाद जो है वाइस कैप्टन मैं सुआरेज के साथ जा रहा हूँ, हालांकि आप डीपे को भी लेके जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन मैंने टीम कॉम्बिनेशन कुछ अलग प्रकार का बनाया है, तो इस कारण से मैं यहाँ पे इनको लेके चल रहा हूँ। हालांकि आपके पास डेम्बेले भी अच्छे चॉइस होंगे, लेकिन सबसे अच्छा अगर आप जाना चाहें डीपे के साथ भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी टीम रहने वाली इस मुकाबले की, और अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल एक दो चेंजेस करके जा सकते हैं।
और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने भाई के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।